मिट्टी से बाहर वो पेनेट्रेट करता हुआ एंटी ग्रेविटेशन फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता हुआ बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीडलिंग की सेल्स होती है ना सरफेस वाली, ये क्या करती हैं, आसपास से वाटर को एड्सॉर्ब करके रखती हैं, जिससे यहाँ आसपास के सेल में क्या डेवलप होता है, और वो इम्बाइबिशन प्रेशर जो होता है बच्चे, वो बाहर से सॉइल के प्रेशर को क्या करता है, बियर करता है, जिससे कि ये क्या करता है बाहर की तरफ बाहर निकलता है। तो बताओ सीडलिंग जो है बच्चे, उसके एंटी ग्रेविटेशन ग्रोथ के अंदर इम्बाइबिशन प्रेशर भी काफी हेल्प कर रहा है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा होता है, और ये एक टाइप है किसका, हम डिफ्यूजन बात का। कर रहे थे कि हमारे पास ना तीन सेल्स थी, तीन अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर, है ना। एक सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक, एक पढ़ा था आइसोटोनिक, और एक पढ़ा था हमने हाइपरटोनिक। ठीक है, तीनों में तीन अलग अलग प्लांट सेल्स रखी थी हमने। जैसे हमने कहा कि भाई ये एक प्लांट सेल है, इसकी सेल वॉल, ये दूसरी प्लांट सेल है, इसकी सेल वॉल, ये तीसरी प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल। सही है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई है। इस डायग्राम में वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में कोई गैप नहीं है, और वैक्यूल का साइज जो है वो बड़ा है। सेकंड डायग्राम में भी हमने कहा कि मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में कोई गैप और यहाँ मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप है, और वैक्यूल का साइज बहुत छोटा है, ऐसा पढ़ा था हमने। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम कहते हैं कि भाई जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो अंदर एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल में, तो वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। जब अंदर पानी एंटर करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, और एंड ऑस्मोसिस से सेल टर्जिड होगी। अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ वॉल पर क्या लगाएगा, प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोला हमने, टर्गर प्रेशर। इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, टीपी। जिस सेल में टर्गर प्रेशर लगता है उस सेल को क्या बोलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। ये जो वॉल है वो भी तो बाहर से प्रेशर लगाएगी ना, पढ़ा था ना ऐसा हमने, कि जितना इधर से टर्गर प्रेशर लग रहा है उधर उतना ही बाहर से क्या लग रहा है। तो इसको हमने कंसीडर किया था वॉल, और इसको लिखा था हमने डब्ल्यूपी, और हमने कहा था कि टर्जिड सेल के अंदर टीपी की वैल्यू हमें कैसे कंसिडर करनी है, पॉजिटिव, क्योंकि मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर लगा रही है। लेकिन इसी सेल को जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। सही है बात या नहीं? हमने कहा था नेट मूवमेंट जीरो है, तो यहाँ हमें जो टीपी की वैल्यू कंसिडर करनी है वो कैसी कंसिडर करनी है, जीरो। और ऐसी सेल को क्या बोला है हमने, सही है। तीसरा हमने पढ़ा कंडीशन की, भाई जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी सेल से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इसको हमने बोला है एक्सोस्मोसिस, या फिर हमने नाम दिया है इसे प्लाज्मोलाइसिस, है ना, एक्सोस्मोसिस बोल दो या प्लाज्मोलाइसिस बोल दो। सही है, जब हम प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं, पानी सेल से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में गैप बन रहा है, तो ऐसी सेल को हम नाम दे रहे हैं बच्चे क्या, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्या नाम दे रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए हम टीपी नेगेटिव कंसिडर करते हैं, कल ऐसी बात हुई थी हमारी, यहां तक कल हमने पढ़ा। आपको एक बात समझनी है कि जब बच्चे किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर वहां से रिलीज कर रहा है, बाहर आ रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, जिससे मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में क्या बन रहा है, एक गैप। एनसीईआरटी के हमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछती है, एनसीईआरटी पेज नंबर 182 पे देखो, ऊपर ऊपर ये तीनों डायग्राम आपको दिखेंगे, उसके ठीक नीचे के पैराग्राफ के ठीक बाद इटैलिक में लिखा है कि व्हाट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रिंकन प्रोटोप्लाज्म इन सेल प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपका आंसर होगा कि भाई इस वाले गैप के अंदर भी आपको क्या मिलने वाला है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्योंकि जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल आप बताइए, वो एक परमिएबल बाउंड्री होती है। ये जैसे सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल कैसी बाउंड्री है, परमिएबल बाउंड्री है। तो परमिएबल होने का मतलब हो गया कि ये
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आने जाने से रोकती नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आने जाने से रोकती नहीं है। तो बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ना बच्चे, वही सॉल्यूशन आपको कहाँ दिखेगा, इसके अंदर की तरफ भी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि अंदर वाले स्पेस में, मेम्ब्रेन और वॉल के बीच का जो स्पेस है, उसमें भी क्या दिखने वाला है आपको? हाइपरट्रॉनिक सॉल्यूशन। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हाइपरट्रॉनिक सॉल्यूशन में सेल को आपने रखा और वाटर क्या हुआ, बाहर निकला, तो आप बताइए कि पहले पानी कहां से निकलेगा? साइटोप्लाज्म से। और फिर पानी कहां से निकलेगा? वैक्यूल से। इसलिए कंटिन्यू साइटोप्लाज्म से पानी रिलीज होने की वजह से, कंटिन्यू साइटोप्लाज्म से पानी रिलीज होने की वजह से वैक्यूल का वाटर साइटोप्लाज्म में आ रहा है, इसलिए वैक्यूल का साइज क्या होता जा रहा है। तो पहले पानी कहां से निकलेगा, फिर कहां से निकलेगा? समझ रहे हैं बात या नहीं? ऐसी याद रखिए कि अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है ना, तो पहले पानी अंदर साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर वैक्यूल में। मतलब सीक्वेंस जाने की और आने की यही रहेगी, कि पानी अगर निकल रहा है तो पहले कहां से निकलेगा, और पानी अगर जा रहा है तो पहले कहां जाएगा। पानी अगर बच्चे साइटोप्लाज्म से निकल गया तो फिर किससे निकलेगा? हाँ, तो अगर पानी साइटोप्लाज्म में आ गया है तो कहां जाएगा? वैक्यूल। मतलब वैक्यूल को सेकंड नंबर पे रखोगे आप हमेशा। ठीक है बात या नहीं? तीसरी बात याद रखना कि जो टर्जिड सेल होती है, कौन सी, इसके आपको दो टाइप याद करने हैं। एक तो आपको याद करनी है पार्शियल टर्जिड सेल, एक आपको याद करनी है फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड और पार्शियल टर्जिड में क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको पानी पीने की प्यास लगी है, कितने गिलास, 3 गिलास मान लेते हैं कि आप 3 गिलास पानी पीना चाह रहे हैं, आपको एक भी गिलास पानी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपकी प्यास अभी ज्यादा है। वाटर आपको कितने गिलास चाहिए, और आपको मिला अभी 1 गिलास भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं मिली, तो आप बताइए कि कौन सी कंडीशन में है आप? प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में। सही है बात या नहीं? आपको 3 गिलास पानी चाहिए, आपको 3 ही मिला है, मतलब जितना पानी चाहिए था उतना ही पानी है आपके पास, ज्यादा नहीं है, तो क्या बोलोगे? आपको पानी पीना था 3 गिलास, पी गए आप 4 गिलास, इसका मतलब लिमिट से, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पीते हैं तो टर्जिड हो गए हैं, लेकिन अभी आप पी सकते हैं, और अभी आप पी सकते हैं 10 गिलास पानी। कितना डिमांड कितने की थी, पानी है कितना, इसका मतलब 3 से, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी सेल में होता तो सेल टर्जिड होती है। अब जरूरत से ज्यादा पानी पीते गए, पीते गए, पीते गए, कितने गिलास पी गए, अब एक भी बूंद अंदर नहीं जा सकती, ये कंडीशन है फुली टर्जिड सेल। इसका मतलब पानी जितना अंदर आ सकता था वो सारा आ गया, लिमिट से ज्यादा जितना आ सकता था वो सारा आ गया, अब एक वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर एंटर, तो इस कंडीशन को बोलेंगे फुल्ली टर्जिड कंडीशन। क्या बोलेंगे? फुल्ली टर्जिड कंडीशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी क्या हो गया, अंदर बाहर से आ रहा है, तो इसका मतलब सेल अभी पार्शियली टर्जिड है, फुल्ली टर्जिड। पानी जरूरत से ज्यादा है तो टर्गर प्रेशर लगेगा, यस और नो? पानी जरूरत से ज्यादा है लेकिन अभी और आ सकता है, पार्शियली टर्जिड। पानी जरूरत से ज्यादा है और बिल्कुल नहीं आ सकता, जरूरत जितना ही पानी है, फ्लैसिड सेल की बात चल रही है, तो क्या बोलेंगे? फ्लैसिड सेल। और बच्चे अगर पानी बहुत ही कम है, प्लाज्मोलाइज, तो सबसे ज्यादा वाटर की डिमांड किस में रही, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा टर्जिड में भी, पार्शियल टर्जिड में। फुली टर्जिड सेल में वाटर की डिमांड नहीं होती, क्योंकि जितना पानी अंदर आ सकता था वो सारा आ चुका है। ठीक है बात या नहीं? यहां ध्यान रखना कि जो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस है, बोलो ऐसे, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आप सोचिए कि अगर इस प्लांट सेल को हम दोबारा, जो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है, इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, किसमें रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसको, जो प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल थी ना उसको। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि पानी अंदर जाने की वजह से इस सेल का हो जाएगा क्या, डीप्लाज्मोलाइसिस, और पानी जो है वो सेल के क्या हो जाला, अंदर चला गया। समझ रहे हैं बात या नहीं? मतलब प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसका क्या किया जा सकता है, डीप्लाज्मोलाइसिस, क्या किया जा सकता है? तो बोलो, प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर बच्चे
किसी सेल का प्लाज्मोलाइसिस हो गया, तबीयत कैसी तेरी बेटा? ठीक है, अब अगर किसी सेल का क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस मीन्स प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, आप उसे जैसे किस में रखेंगे दोबारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो पानी फिर से अंदर जाएगा और इसका डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। मीन्स प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बात तो ये याद करनी है। दूसरी बात जो समझनी की वो ये है कि अगर किसी सेल का आप डी प्लाज्मोलाइसिस करना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। कोई सेल प्लाज्मोलाइज लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। अगर कोई सेल लंबे टाइम तक क्या रहती है, प्लाज्मोलाइज, तो आप बताइए ये उस सेल के लिए डेथ कॉजिंग है, उस सेल के लिए मरने वाली स्थिति है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन वो सेल लॉन्ग टाइम तक नहीं रहनी चाहिए क्या? प्लाज्मोलाइज, अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज हुई है, आप उसे पानी दीजिए, वो फिर से डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी, ये बात ठीक है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक सेल क्या रह गई, प्लाज्मोलाइज, तो सेल के लिए क्या है वो, डेथ कॉजिंग। समझ रहे हैं बात या नहीं? इस फीचर का हम सेल के, इस करेक्टर का हम सेल के, इस फिनोमेना का हम यूज करते हैं अपने फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, रिजर्व करने के लिए। और आप बताइए कि फूड मटेरियल्स को कंसंट्रेट सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है, जैसे जैम, जेलीज, मुरब्बा, अचार। अचार की बात कर लो, पिकल किसी को हम कहते हैं कि भाई इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सही है बात या नहीं? आप जैम, जेली, मुरब्बा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन की बात करो तो इनमें शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है इनको। इससे फायदा क्या है कि इनके अंदर माइक्रोब्स बाहर से जाकर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, गाजर आ रही है प्रॉपर, सही है, ताजी, और लोग घर पे गाजर की सब्जी बनाते भी हैं। आप सोचो कि अगर आपकी मदर ने बच्चे किचन में खाना बनाया और आज घर पे गाजर की सब्जी बनी है, सही है, और आपको कहा गया कि, आपने कहा कि भूख लगी, तो उन्होंने कहा कि खाना बना हुआ है, मैं काम कर दिए तो अपने आप डाल ले जाके, आप टीवी देख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा ही मशगूल थे आप, आपने जाके खाना डाल लिया है, रोटी भी रख ली है थाली में, सब्जी भी डाल ली है, लेकिन एक चीज करना भूल गए, सब्जी दोबारा ढकना भूल गए आप, जिस बर्तन से आपने सब्जी ली है। सही है बात या नहीं? उसके बाद अगर मम्मी किचन में आ जाए 10 मिनट बाद, तो बढ़िया क्लास लगती है हमारी, ये किसी और ने तो खाना ही नहीं, तुम ही हो बस शहनशाह, तुम्हें कोई अकल ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके होता है ना ऐसा। लेकिन वही सोचो बच्चे अचार का डिब्बा हो और गाजर का ही अचार हो, और उसका ढक्कन क्या रह जाए, खुला रह जाए, मम्मी इतना नहीं डांटती, वो बस इतना कहते हैं कि बेटा ये ढक्कन तो बंद कर देती है अचार का, और बंद करके साइड में रख देती है। मतलब दोनों चीजें सेम है, एक अचार है वो भी गाजर का, सब्जी है वो भी गाजर की, लेकिन डांट किस लिए पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसका मतलब बाहर से कोई माइक्रोब अगर अंदर गिरेगा तो वो जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर अचार के डिब्बे में गिरेगा ना कोई माइक्रोब, वो तो जाते ही पिचक जाएगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो पिचक जाएगा, तो इसका मतलब उसकी सेल हो जाएगी प्लाज्मोलाइज्ड और वो मर जाएगा, इसलिए उसके लिए डांट नहीं पड़ती, लेकिन सब्जी के लिए डांट पड़ती है। क्यों पड़ती है? हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे मेरी बात या नहीं? इसलिए हम फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं कंसंट्रेट शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, जिसका एग्जाम्पल आप अचार का, मुरब्बे का, जैम का, जेली का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको याद करना है कि अगर कोई फार्मर या आप अपने घर पे जितने भी आपके पौधे लगे हुए हैं पार्क में, अगर उनको आप फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, केमिकल्स बाहर से, मिनरल्स देते हैं ना, अगर आप मिनरल्स देते हैं तो पानी देना बहुत जरूरी है। एक फार्मर इस बात का ख्याल रखता है कि वो मिनरल देगा तो पानी देगा, पानी देगा तो साथ में मिनरल देगा, या पहले पानी देगा फिर मिनरल देगा, वो कभी अकेले मिनरल नहीं देता, पानी का कनेक्शन हमेशा साथ में रहता ही है। या तो पानी से पहले मिनरल दे दो फिर पानी दे दो, पानी के साथ मिनरल दे दो, या फिर मिनरल देकर पानी ले लो, या पानी देकर मिनरल दे लो, लेकिन पानी देना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने सॉइल में सिर्फ मिनरल डाले, पानी, तो सॉइल जो है ना बच्चे, वो हाइपरटॉनिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और जो रूट की सेल्स हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से, सॉइल से। और अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जो प्लांट है बच्चे वो विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और मुरझाया हुआ प्लांट फिर लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तो पानी की उसके पास क्या आ गई है, कमी। तो इस बात का ख्याल रखते हैं आप। तो ये टॉपिक आपको किसके लिए याद करना है, प्लाज्मोलाइसिस के लिए। तो प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रहे कि वो सेल लंबे टाइम तक प्लाज्मोलाइज्ड ना रहे। क्लियर है बात अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, ये सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 182 पर है, ऊपर ऊपर है, 11 पॉइंट
फाइव फिगर है बच्चे, तीन सेल्स हैं, लास्ट सेल जो है वो टर्जिड है, बीच वाली फ्लैसिड है और पहली सेल प्लाज्मोलाइज्ड है, ठीक है बात या नहीं? तो इन्होंने क्या किया है कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, सुनना बात ध्यान से, एक को रखा इन्होंने एक किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो जैसे आप प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो पहले क्या हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, यही वो दिखा रहे हैं। इसलिए फिगर 11.5 भी उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है डायग्राम 11.5 को, क्या लिखा है, प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस। अगर आप इधर से हाइपर में रखोगे एक टर्जिड सेल को तो वो पहले क्या हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, है ना? सीक्वेंस यही चल रही है कि अगर आप हाइपो में रखोगे तो प्लाज्मोलाइट से फ्लैसिड से टर्जिड, और अगर आप हाइपरटोनिक में रख देंगे इसको तो ये टर्जिड से फ्लैसिड से प्लाज्मोलाइज। तो अगर किसी टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वो पहले क्या हो जाएगी, फ्लैसिड और फिर प्लाज्मोलाइज, और अगर किसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो पहले क्या हो जाएगी और फिर, इसलिए प्लाज्मोलाइज्ड और टर्जिड के बीच में फ्लैसिड को बनाया सेल, ठीक है? इस बात का ख्याल रखिएगा आप। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे? ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, उस टॉपिक का नाम है डीपीडी। क्या नाम है बताएंगे? डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट डेफिशिएंसी डिक्रीजमेंट, जो भी आपका मन करे आप बोल सकते हैं। डिफ्यूजन अल्टीमेटली आपको बोलना है कि डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी, डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट डिक्रीजमेंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिक्रीजमेंट या कुछ भी आप बोल सकते हैं बच्चे। किसको? प्लाज्मो, सॉरी डीपीडी को, सही है? इसको ना ऐसे समझो, कल हमने एक बात पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, एक हमारे पास बीकर है, जब हम ओपी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसमें हमने पानी भरा है, प्योर वाटर, याद आया आपको? प्योर वाटर का डीपी मैक्सिमम होता है, ओपी कम होता है, पढ़ा था ना ऐसा हमने, कि हमने कहा कि भाई ये क्या है, प्योर वाटर का डीपी मैक्सिमम, ओपी जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है, सही है? फिर हमने कहा कि भाई बीच में हमने क्या लगा दी, मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सही है? तो अब इधर भी क्या हो गया, दो पार्ट हो गए इसके, दोनों तरफ प्योर वाटर है, प्योर वाटर का डीपी क्या होता है, मैक्सिमम, ओपी क्या होता है, जीरो, जीरो मतलब क्या है, मिनिमम, सही है? इसमें फर्स्ट जो है बच्चे इसको नाम दे रहे हैं ए, सेकंड को नाम दे रहे हैं हम बी, कि दो सिस्टम हो गए ए और बी, सही है? फिर हमने क्या किया था कि जो बी सिस्टम था ना इसमें सॉल्यूट मिलाया था, याद करो आप, याद है? सॉल्यूट मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में सोच के चलो कि डीपी हमारे पास कितना था, 100, इसका भी मान लो कि इधर डीपी कितना था, 100, बाहर से आपने सॉल्यूट कितना मिलाया, 40, हुई थी ना बात ऐसी। तो बताओ कि अब ये प्योर वाटर तो रहा ही नहीं, प्योर वाटर तो ये रहा नहीं, तो अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो डीपी होता है वो कम हो जाता है और ओपी जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपसे डीपी पूछेंगे कि कितना हो गया, और अगर आपसे ओपी पूछें तो कितना हो गया, सही है बात या नहीं? और आप कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बोला था ऐसा आपने, यस और नो? ये लास्ट लेक्चर में अपनी बात हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन अब आपको मैं बताऊं, प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर कितना है, कमी कितनी है, कमी है ही नहीं, तो इसका मतलब आप बताओगे कि प्योर वाटर का डीपीडी जीरो है। डीपीडी बेसिकली डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी को कहते हैं हम, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो क्या यहां सॉल्यूट था तो डीपी क्या था, तो कमी जीरो थी। लेकिन अब आप बताओ कि जब आपने इसमें क्या मिलाया, सॉल्यूट, तो जो डीपीडी है ना बच्चे, डीपीडी वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 40, मतलब ये हो गया कि कमी बढ़ गई। किसकी कमी बढ़ गई, डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी बढ़ गई। बच्चा कहता है कमी कैसे बढ़ गई, कमी थोड़ी बढ़ती होती है, या तो बढ़ते या कम होते हैं, आप कह रहे हो कमी बढ़ गई, तो एक्चुअली क्या, कमी नहीं बढ़ गई, आप बताओ डिफरेंस बढ़ गया। जैसे आप कहो कि जो डीपीडी है वो कितना हो गया,
किसकी वजह से? क्या पहले प्योर वाटर में डीपीडी था, क्या अब है? तो डीप कमी को क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? डीपीडी, सही है बात या नहीं? डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी को क्या बोलेंगे? डीपीडी, सही है। अब आप देखो ऐसे को ऐसे रह गया ना, सही है। तो बताओ कि बच्चे कितनी कमी आ गई? बस ये जो 40 की कमी दिख रही है ना, ये वाली, ये मैग्नीट्यूड जो है वो डीपीडी है। तो बेसिकली आप बताओ कि डीपीडी एक मैग्नीट्यूड होता है। डीपीडी इज मैग्नीट्यूड इन बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीपी एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डीपी इन द सॉल्यूशन। डीपी की मैक्सिमम वैल्यू और जो सॉल्यूट डालने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है डीपी की, उन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? तो बताइए, जितना ज्यादा होगा क्या सॉल्यूट, उतना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड। अगर आपने 10 सॉल्यूट मिलाए, इसका मतलब 10 डीपीडी है। 20 सॉल्यूट मिलाए तो डीपीडी बढ़ के कितना हो गया? 20, मतलब मैग्नीट्यूड और भी बढ़ गया। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हो आप? सॉल्यूट क्या बढ़ाते जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? तो डीपीडी एक्चुअली क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड किसके बीच का? मैक्सिमम डीपी और एक्चुअल डीपी ऑफ द सॉल्यूशन के बीच का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सॉल्यूट मिलाओगे तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सही है बात या नहीं? तो आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के लिए डीपीडी जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल। अब बताओ कि अगर डीपीडी और ओपी दोनों ही एक दूसरे के सॉल्यूट के क्या हो गए, तो आप कह सकते हो कि डीपीडी इज इक्वल्स टू 4A सॉल्यूशन। एक फ्री सॉल्यूशन के लिए डीपीडी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओपी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डीपीडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी 4A सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम जो पढ़ के आए हैं बच्चे, ये टर्गर प्रेशर हम किसके लिए पढ़ के आए हैं? एक ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए। किसके लिए? ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये इसमें आपने पानी भरा है, मान लेते हैं इसमें 4 गिलास पानी आ रहा है, क्या इसमें 4 गिलास से ज्यादा पानी आ सकता है? तो बोलो टर्गर प्रेशर भी नहीं लग सकता, क्योंकि टर्गर प्रेशर हमेशा तब लगता है जब पानी लिमिट से क्या होता है। लिमिट जितना ही पानी होता है तो वो सेल तो क्या रहती है? एग्जैक्टली जितनी इसकी लिमिट है उतने इसमें पानी आ रहा है। इसका मतलब इसमें टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर पानी जरूरत से क्या हो जाए तो टर्गर प्रेशर लगता है। तो बोलो फ्री सॉल्यूशन में उसकी लिमिट से कभी ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता। अगर लिमिट से ज्यादा पानी नहीं आ सकता तो बोलो टर्गर प्रेशर भी। तो टर्गर प्रेशर हमेशा किसके लिए है? बोलो एक ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए। सेल मेम्ब्रेन वॉल है ना, बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पानी की एंट्री एंड ऑस्मोसिस, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब टर्गर प्रेशर लगेगा। तो टर्गर प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर द ऑस्मोटिक सिस्टम, नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्री सॉल्यूशन। तो आप बताइए कि इस फ्री सॉल्यूशन का मैं टीपी बता सकता हूं? नहीं बता सकता मैं इसका टीपी नहीं बता सकता। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन सेल के केस में टीपी आ जाएगा। तो आपको याद करना है कि भाई सॉल्यूशन के लिए तो डीपीडी इज इक्वल्स टू, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यस और नो? लेकिन आप ये भी याद करिए कि 4A सेल, 4A सेल, आप बताएंगे डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी, तो अभी अभी हमने प्रूव किया ये, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी तो अभी अभी हमने किया मेंशन। लेकिन सेल के लिए आपको टर्गर प्रेशर भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है? डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। समझ रहे हैं बात या नहीं? यहां इस बात का ख्याल रखिए कि जो सेल हम यहां पढ़ रहे हैं, ये सेल एक पार्शियली टर्जिड सेल है। उसका रीजन मैं बताता हूं। पार्शियली टर्जिड सेल में ये तीनों वैल्यूज आपको मिलेंगी। क्या पार्शियली टर्जिड सेल में पानी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप बताइए किसी भी सॉल्यूशन के लिए, बोलो ऐसे डीपीडी उस सॉल्यूशन की वाटर डिमांड है। क्या है?
आप सोचो भाई, इसका पहले डीपी कितना था, इधर भी कितना था, जैसे आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाते क्या आ गया, डीपी कम हो गया, जितना कम हो गया वो मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो सॉल्यूशन चाहता है कि जो मैग्नीट्यूड मेरा बढ़ गया वो फिर से क्या हो जाए, तो कैसे होगा? तो आसपास के सॉल्यूशन से पानी को क्या किया जाता है, अपनी तरफ खींचा जाता है। इसलिए डीपीडी को वाटर डिमांड या सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, और सक्शन प्रेशर को इन शॉर्ट एसपी लिखते हैं। याद करो कल मैंने कहा था सॉल्यूट प्रेशर को मत लिख देना एसपी, सॉल्यूट प्रेशर को तो ओपी लिखना है आपको, एसपी लिखा जाता है किसको, सक्शन प्रेशर को। तो बोलो डीपीडी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज वाटर डिमांड और द सक्शन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम डीपी से, उतना ही हम कहेंगे कि वाटर की डिमांड ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो? तो आप मुझे ये बताइए, क्या पार्शियली टर्जेड सेल में अभी पानी और आ सकता है? इसका मतलब सेल की डिमांड है, मतलब सेल में डीपीडी की वैल्यू सही है, बात या नहीं? क्या सेल के अंदर प्योर वाटर है या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है तो उसमें ओपी भी होगा, सही है। क्या सेल टर्जिड है? टर्जिड है, इसका मतलब ट्रग प्रेशर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो तीनों वैल्यूज होती हैं पार्शियली टर्जिड सेल में। तो जो फॉर्मूला लिखा जाता है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यस और नो? तो ये लिखा जाता है एक पार्शियली टर्जिड सेल के लिए। किसके लिए लिखा जाता है? एक पार्शियली टर्जिड सेल के लिए क्या लिखा जाता है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। लेकिन अगला क्वेश्चन बच्चे का ये होता है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी ही क्यों, प्लस टीपी क्यों नहीं? समझ रहे हैं बात या नहीं? इसको भी समझते हैं। आप बताइए कि हमारे पास मान लीजिए कोई ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक सेल को रखा है, ठीक है? ये क्या है, एक सेल है, और सेल की बोलो ये इनिशियल वैल्यूज है, पहली बार जब रख रहे हैं। क्या सेल में प्योर वाटर है? अरे वाह, सॉल्यूशन है तो डीपी क्या होगा, कम। हाँ वाला कौन था, प्योर वाटर है सेल में, नहीं, क्या है, सॉल्यूशन, सही है। सॉल्यूशन है तो सेल का ओपी ज्यादा, डीपी कम, क्योंकि पानी कम है। अब आप बताइए कि इस सेल की वाटर डिमांड भी तो है, क्योंकि जितना ज्यादा ओपी होगा उतनी वाटर डिमांड भी तो होगी, जितना ज्यादा वाटर डिमांड होगा मतलब ओपी होगा उतना वाटर डिमांड भी तो होगा। अब बोलो वाटर डिमांड है तो ट्रग प्रेशर कम है या ज्यादा है? ये कह रहा है कि मेरी पानी की डिमांड क्या है, ज्यादा, तो इसमें पानी कम है या ज्यादा है? कम है, तभी तो डिमांड ज्यादा है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो बताओ सेल में पानी कम है या ज्यादा है, तो ट्रग प्रेशर, सिंपल बात है। अब आप इस सेल को रखते हैं एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी सेल के क्या होगा, अंदर आएगा ना। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो डीपी की वैल्यू बढ़ेगी, ओपी की वैल्यू, डिमांड कम होगी, और क्या बढ़ेगा, तो बस आ गया अपना आंसर। बोलो सेल का अगर डीपीडी क्या हो तो टीपी क्या होता है, और सेल का अगर डीपीडी क्या हो तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो? सेल का अगर डीपीडी क्या हो तो टर्गर प्रेशर, और सेल का अगर डीपीडी क्या हो तो टर्गर प्रेशर, सही है। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट, इसलिए माइनस लगा रहे हैं हम। समझे बात या नहीं? मतलब डीपीडी इज इक्वल टू ओपी तो होता ही है, लेकिन ओपी के बराबर जो डीपीडी है वो डीपीडी उतना ही कम हो जाएगा जितना पानी अंदर एंटर करेगा, और जितना पानी अंदर एंटर करेगा उतना टर्ग प्रेशर डेवलप हो जाएगा, सही है बात या नहीं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। समझ रहे हैं बात? अब बताइए कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है किसके लिए, पार्शियली टर्जिड सेल के लिए, लेकिन अगर बच्चे हम बात करें एक फुल्ली टर्जिड सेल की, किसकी बात करें, तो फुल्ली टर्जिड सेल में आप बताओगे कि जो ओपी होता है वो टीपी के इक्वल हो जाता है, टीपी जो होता है वो ओपी के इक्वल हो जाता है। आप बताइए कि भाई किसी सेल में पानी आएगा कितना, जितना उसमें सॉल्यूट होगा, जितना उसमें, क्योंकि हमने कहा है कि डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आप कह रहे हो जितना डीपीडी होगा,
मैं कह रहा हूं जितना सॉल्यूट होगा, बातें तो सेम ही है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब बोलो जितना सॉल्यूट होगा उतना ही ओपी होगा, जितना सॉल्यूट होगा उतना ही पानी अंदर आ सकता है। इसका मतलब ट्रग प्रेशर भी सिर्फ उतना ही डेवलप हो सकता है। तो क्या ट्रग प्रेशर की वैल्यू कभी ओपी से ज्यादा हो सकती है? आप सोचो किसी सेल के अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल 100 हैं, क्या आप 101 वाटर डाल सकते हो? 99, 100, 101? नहीं, जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल है पानी तो उतना ही अंदर आएगा ना, यस और नो? इसलिए आप बताइए कि ट्रग प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है, और बताइए जब टीपी की वैल्यू ओपी के क्या हो जाती है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपको बताना है कि जो डीपीडी होता है ना बच्चे, वो जीरो हो जाता है। तो फुल्ली टर्जर सेल में टर्ग प्रेशर की वैल्यू ओपी के क्या होती है, इसलिए डीपीडी क्या हो जाता है, डिमांड है ही नहीं। आपका फॉर्मूला है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस, अब ओपी और टीपी दोनों ही 10-10 है, तो डीपीडी जीरो हो गया, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो किसी सेल का टर्ग प्रेशर कितना डेवलप हो सकता है मैक्सिमम, आप बताइए जितना उसका, समझ रहे हैं बात या नहीं? आप मुझे बताओ कि भाई मैक्सिमम टर्ग प्रेशर कौन सी सेल में दिखेगा, फुली टर्जर सेल में, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसका मतलब टर्ग प्रेशर ओपी से हमेशा क्या रहेगा, कम या बराबर, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। कितने लोगों को नहीं समझ में आई ये बात? बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, इसको उल्टा याद करते हैं। वो याद करते हैं कि फुल्ली टर्जर सेल का डीपीडी जीरो होता है, इसलिए ओपी इज इक्वल टू टीपी होता है। बोलो नहीं, हमारे टॉपिक का नाम है डीपीडी, और डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी है, तो ओपी और टीपी इक्वल होता है, इसलिए डीपीडी जीरो होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और आप बताइए कि मैक्सिमम टीपी कितना हो सकता है, बोलो जितना ओपी है, सही है बात या नहीं, यस और नो? तो फुल्ली टर्जर सेल का टर्ग प्रेशर मैक्सिमम और किसके इक्वल, तो इसका मतलब मैक्सिमम टर्ग प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। क्लियर है बात? दूसरे नंबर पे जो सेल हम पढ़ेंगे बच्चे फुली टर्जर के बाद, वो हम पढ़ेंगे कौन सी, फ्लैसिड सेल। बताइए फ्लैसिड सेल में हमने पढ़ा था टीपी जीरो, देखो आज ही पढ़ा है हमने यहां पर कि टर्ग प्रेशर फ्लैसिड सेल के लिए कैसा मानते हैं हम, जीरो। कल मैंने दो बच्चों को बुला के बताया भी था कि मेम्ब्रेन वॉल के साथ सटी हुई है लेकिन प्रेशर नहीं लगा रही कोई भी, क्योंकि तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, नेट मूवमेंट वाटर का क्या है, जीरो है, सही है? तो फ्लैसिड सेल के लिए टीपी की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस जीरो, फॉर्मूला आ जाएगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। बताइए एक फ्लैसिड सेल फ्री सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है, बताओ फ्री सॉल्यूशन में भी टीपी नहीं होता, तो फॉर्मूला डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होता है, और बोलो फ्लैसिड सेल में भी टीपी नहीं होता, तो फॉर्मूला डीपीडी इज इक्वल टू, तो अगर पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सेल बिहेव लाइक एज फ्री सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लैसिड सेल कि सॉल्यूशन फ्री में भी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होता है, तो आप बताइए कि भाई एक फ्लैसिड सेल में भी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होता है। नंबर तीन पे याद करेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना? प्लाज्मोलाइट सेल के लिए बोलो टर्गर प्रेशर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, कैसा? तो फॉर्मूला हो जाएगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस टीपी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो आप बताइए कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ वाटर कौन सी सेल में, इतना है कि भाई टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ दो आप, सही है बात या नहीं? तो मैक्सिमम डिमांड किसमें, उससे कम, उससे कम, पार्शियली। फुल्ली टर्जर में तो डिमांड है ही नहीं, फुल्ली टर्जर में तो डिमांड क्या है, जीरो। तो मैक्सिमम डिमांड ऑफ वाटर इन, उससे कम, सबसे कम, हाँ, फुल्ली टर्जर में तो डिमांड है ही नहीं, जीरो है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो? कोई प्रॉब्लम, पक्का? ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट होता है, किसका, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो आपको पढ़ना है बच्चे डीपीडी लो टू डीपीडी हाई। लास्ट लेक्चर में एक बात हुई थी अपनी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, हमने कहा था हाई डीपी टू लो डीपी, याद है आपको? साथ ही साथ हमने बोला था लो ओपी वाले सॉल्यूशन से
हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ, और आज मैं कह रहा हूं कि बच्चे लो डीपीडी वाले सॉल्यूशन से हाई डीपीडी वाले सॉल्यूशन की तरफ। जिसका डीपीडी कम है मतलब डिमांड कम है उसमें पानी, और जिसका डीपीडी ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा है उसमें पानी, तो फिर पानी लो से हाई डीपीडी की ओर चलेगा। क्या इसमें प्रॉब्लम है आपको कोई? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई अपने पास ना सेल है ए और बी, इसके ओपी और टीपी की वैल्यू हम बात कर रहे हैं। ओपी इसका 10 है, टीपी इसका 6 है, इसका ओपी 8 है, टीपी इसका 2 है। तो आप बताइए दोनों सेल का डीपीडी क्या होगा? तो डीपीडी इक्वल्स ओपी माइनस टीपी, ओपी कितना और टीपी, तो ये हो गया 6 माइनस सॉरी 10 माइनस 6 4, और इसका डीपीडी बी का 8 माइनस 2 6, पानी बताओ कहां से कहां जाएगा? A2 पक्का, ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है। लेकिन आप एक बात सोचो, आपने अभी अभी कहा था कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लो ओपी वाले सॉल्यूशन से, सही है? देखो आप ओपी कहां कम है और ज्यादा कहां है, तो पानी कहां जाना चाहिए था लेकिन जा कहां से रहा है? हाँ, तो मैंने कल ये बात बोली थी आपसे कि सॉल्यूशन के केस में ये बात होती है कि पानी लो ओपी वाले सॉल्यूशन से हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है, पानी कभी ओपी की वजह से नहीं जाता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब ओपी से वैल्यू बदल भी सकती है, ओपी से वैल्यूज बदल भी सकती है। आप बताइए पानी जो जा रहा है बच्चे वो डीपीडी की वजह से जा रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी से जा रहा है, इसलिए हम डीपीडी को वाटर डिमांड या सक्शन प्रेशर कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए आपको यहाँ फोकस किस पे करना पड़ेगा? डीपीडी पे। डीपीडी को समझाते टाइम एक प्रॉब्लम है कि इसमें ओपी वर्ड आते ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ओपी लो टू हाई भी पानी जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि साथ में कंसीडर करना पड़ रहा है हमें टर्गर प्रेशर। इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट का एक एडवांस फॉर्म डेवलप हुआ और उसे बोला गया वाटर पोटेंशियल। क्या बोला गया? और बताइए कि वाटर पोटेंशियल इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। पहले वाटर का मूवमेंट समझाया जाता था डीपीडी से, लेकिन अब जो वाटर का मूवमेंट है वो समझाया जाता है वाटर पोटेंशियल से, वाटर पोटेंशियल से। इसलिए एनसीईआरटी ने डीपीडी कंसीडर नहीं किया कहीं पर भी, वो हमेशा क्या कंसीडर करती है? वाटर पोटेंशियल। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? क्या आपको डीपीडी समझ में आया? वाटर डिमांड क्यों कहा समझ में आया? डीपीडी वास्तव में एक मैग्नीट्यूड है बच्चे, मैक्सिमम डीपी से एक्चुअल डीपी के बीच का मैग्नीट्यूड है, और जितना सॉल्यूट मिलाते जाओगे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा डिमांड, सही है बात या नहीं? और एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया हमें क्या डीपीडी, क्यों? क्योंकि जो डीपीडी है बच्चे उसकी एडवांस फॉर्म कौन है? एग्जैक्टली। और डीपीडी में एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ओपी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है काम। अभी तक तो आप कह रहे थे कि पानी लो ओपी वाले सॉल्यूशन से हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है, लेकिन जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ टर्गर प्रेशर भी कंसीडर करना शुरू कर देते हैं तो वाटर का मूवमेंट बदल जाता है, सही है? इसलिए वाटर मूवमेंट को समझाया गया है वाटर पोटेंशियल से। किससे? वाटर पोटेंशियल से। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका नाम क्या है? वाटर पोटेंशियल। इसे आप साई डब्ल्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बोलो? वाटर पोटेंशियल कुछ और नहीं, फ्री एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी है। आप कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से। आप बोलिए फ्री एनर्जी, आप बोलिए पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलिए काइनेटिक एनर्जी, सबका मतलब एक ही निकलेगा। तो फ्री एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। बोलो जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल। आप देखो बच्चे इस डायग्राम में सबसे ज्यादा पानी है बच्चे सिस्टम ए में और कम पानी है बी में, क्योंकि बी में सॉल्यूट मिल गया तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए। पहले शुरू में क्या था, दोनों तरफ 100 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, तो दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम थी।
लेकिन जैसे ही आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाते ही इधर बच्चे जितना सॉल्यूट मिलाया उतना फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया। अब जितना फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, अब इधर बच्चे बच्चे कितने 100 वाटर मॉलिक्यूल, उधर बचे 60, तो एनर्जी 100 की ज्यादा या 60 की है, 100 की, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो? तो वाटर पोटेंशियल कुछ और नहीं, फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स है, सही है? बताइए प्योर वाटर में वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो यहां साई डब्ल्यू की वैल्यू आप बताओगे जीरो, एंड द जीरो ऑफ द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, कि जो जीरो है बच्चे वो वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर होती है। पूछो कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बतानी है, जीरो, जीरो इज, इसीलिए मैं शुरू से देखो ओपी और डीपीडी लिखते टाइम ब्रैकेट में मिनिमम मिनिमम लिखता आ रहा था, क्योंकि जीरो हमेशा मिनिमम वैल्यू हो ये जरूरी, ये बच्चे वाटर पोटेंशियल के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा ना तो वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होगा, सही है बात या नहीं? लेकिन आपको याद करना पड़ेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव फॉर ए सॉल्यूशन ऑलवेज, सही है बात या नहीं? सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल ऑलवेज कैसा, लेकिन कंसीडर करना पड़ेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी ए सिस्टम में ज्यादा है या बी में? तो पानी कहां से कहां चलेगा, हाई एनर्जी टू हाई एनर्जी टू हाई एनर्जी टू, तो इसका मतलब वाटर का जो मूवमेंट होता है बच्चे वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है, और जिस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल, आप बताइए जहां पानी जो है, पानी एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कल भी अपनी बात हुई थी प्लांट वाटर रिलेशन में, हमने कहा कि लाइफ का ऑरिजन किसमें हुआ, वाटर में, इसलिए जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए जो लिक्विड मीडियम होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वाटर, हुई थी ना ऐसी बात, यस और नो? तो आपको ये बात समझनी है बच्चे की वाटर पोटेंशियल क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो नोन एज केमिकल पोटेंशियल। बोलो जिस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा वहां केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा, एक सॉल्यूशन के अंदर 100 वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक सॉल्यूशन में 50 वाटर मॉलिक्यूल हैं, बताओ ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी किसमें है? तो आप बताइए कि 100 वाले का केमिकल पोटेंशियल भी ज्यादा। तो वाटर पोटेंशियल के ही सिनोनिमस टर्म है बच्चे, उसी की ही एक दूसरी टर्म है जिसका नाम क्या है, एनसीईआरटी पेज नंबर 175 पे जब चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं ना, तो एनसीईआरटी में पहले पैराग्राफ के लास्ट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, केमिकल पोटेंशियल, क्या लिखा गया है, केमिकल पोटेंशियल, समझ रहे हैं बात है ना? करें शुरू आगे, और केमिकल पोटेंशियल कुछ और नहीं, वाटर पोटेंशियल की ही दूसरे नाम है। आप बताइए किसी सॉल्यूशन में पानी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सही है बात, पानी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस भी, तो आप बताइए जिसका केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सिंपल बात है, ठीक है? आप बताइए कि वाटर पोटेंशियल डिस्क्राइब बाय टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, फर्स्ट इज, इसका दूसरा नाम आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल याद करना है, ठीक है? और इसे हम साई एस से लिखते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम टर्म है, और इसको हम किससे लिखते हैं, साई एस से, और सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद करनी है प्रेशर पोटेंशियल, क्या याद करना है, और पोटेश प्रेशर पोटेंशियल के लिए आपको साई पी लिखना होगा, यहां साई जो है सिंबल पोटेंशियल के लिए है, पी फॉर प्रेशर, एस फॉर सॉल्यूट एंड डब्ल्यू फॉर द वाटर, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल एंड साई पी प्रेशर पोटेंशियल। तो आप बताइए कि वाटर पोटेंशियल डिस्क्राइब बाय टू प्रॉपर्टीज, वन इज सेकंड इज, वन इज सेकंड इज, ठीक है बात या नहीं? तो शुरू करते हैं कि भी सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन, ठीक है? देखो जब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करो तो आप बताओ कि हम कंसीडर करेंगे कहां से,
प्योर वाटर से। प्योर वाटर के बारे में याद रखोगे कि प्योर वाटर का ओपी जो होता है बच्चे वो जीरो होता है, लेकिन प्योर वाटर के लिए ओपी जीरो होना एक मिनिमम वैल्यू है, लेकिन वही प्योर वाटर के लिए साई डब्ल्यू भी जीरो होता है, लेकिन साई डब्ल्यू जो है वो प्योर वाटर के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन आपको याद करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इज जीरो फॉर द प्योर वाटर इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड ओपी इज जीरो फॉर द प्योर वाटर इज द मिनिमम वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम? सीधे बैठो थोड़ा सा सीधे, है ना, बिल्कुल ऐसे एक्टिव होके, कहीं तो लटक रहे हैं अभी से ही, स्नेहा तो खास करके आज है बेटा। क्या हो रहा है? सफोकेशन हो रहा है, एसी चलवा लो, थोड़ा टेम्परेचर उसको बढ़ा दे, बढ़ाने के लिए बोल देना। और कोई किसी को सेवा की जरूरत हो तो बताओ भाई, चाय पानी कुछ और, क्योंकि मुझे तो सफोकेशन फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाने में मजा आ रहा है। समझ नहीं बात या नहीं? जिसको पढ़ने में मजा आ रहा होगा उसको कोई सफोकेशन या गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती, सर्दी गर्मी सफोकेशन सब उनको लगता है जिनका ध्यान पढ़ाई पे कम होता है, नहीं क्या? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 1% भी देख लो चाहे। चलो करें शुरू। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड ओपी इज जीरो। साई डब्ल्यू जीरो है मैक्सिमम वैल्यू एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ओपी जीरो है मिनिमम वैल्यू एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। सही है? अब आप क्या करो, प्योर वाटर में सोल्यूट मिला के ना इसको सोल्यूशन बना दो। क्या बना दो? जैसे क्या बनेगा? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए ओपी की वैल्यू बोलो 5 हो गई, सोल्यूट मिलाए ना हमने बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट्स। सोल्यूट आपने ऐड किए तो ओपी की वैल्यू और ये सॉल्यूशन बन गया। आप बताओ कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना यहां से 0 से लेके 5 तक, इसको आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, या बोलोगे सॉल्यूट प्रेशर कि भाई सॉल्यूट प्रेशर बढ़ गया, 0 से प्लस में चला गया। तो यहां ओपी की वैल्यू कितनी बताओगे आप, कितना बढ़ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आप बताइए कि जैसे आपने इसमें क्या ऐड किए हैं, सॉल्यूट्स क्या ऐड किए हैं, तो आप बताएंगे कि जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस में कम हो जाएगी। तो बोलो साई डब्ल्यू माइनस 5 हो गया, साई डब्ल्यू माइनस 5 हो गया किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए? और आप यहां भी यही बोलेंगे कि बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो मतलब जितने सॉल्यूट आपने ऐड किए उन सॉल्यूशन सॉल्यूट्स को ऐड करने की वजह से जितना ओपी बढ़ेगा उतना वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो बताओ वाटर पोटेंशियल कितना कम हो गया? नहीं, वाटर पोटेंशियल कितना हो गया तो माइनस 5, कितना कम हो गया? भी आपकी जेब में 100 रुपए थे, 10 रुपए के आप खा गए गोलगप्पे पानी पूरी, अब कितने बचे, कितने कम हो गए? अरे माइनस 10 क्यों नहीं बोला? हाँ, आपकी जेब में कितने हैं? एग्जैक्टली वाटर पोटेंशियल कितना है? -5। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? वाटर पोटेंशियल कितना कम हो गया? हाँ, 0 से 5 कम हो गया। समझ रहे मेरी बात या नहीं? मतलब मैं इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? बोलो सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 5। बोलो सॉल्यूट पोटेंशियल और द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ए मैग्नीट्यूड बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल इन ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल था प्योर वाटर का, सॉल्यूट मिलाने पर जितना वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या है? समझ रहे हैं बात?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस और नो अच्छे से, मतलब आप बताइए कि मैग्नीट्यूड है सॉल्यूट पोटेंशियल, जैसे डीपीडी था मैक्सिमम डीपी से एक्चुअल डीपी के बीच का मैग्नीट्यूड, ऐसे बताइए साई एस है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल से एक्चुअल वाटर पोटेंशियल के बीच का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं बात, यस और नो अच्छे से। आप बताइए कितना ओपी बढ़ गया, कितना वाटर पोटेंशियल कम हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ इक्वल है। बेटा इधर आई नहीं, इधर बाहर यहाँ खड़े हो दोनों, तू फेस इधर करके खड़े हो जा, हाँ तो इसके साथ चपक के इधर खड़े हुए, फेस इधर कर ले, फेस इधर कर ले, हाँ यूं मैं वन बोलूंगा तो वन स्टेप आगे बढ़ना दोनों, है ना, एक सॉल्यूट मिलाया सॉल्यूशन में वन, सही है, टू थ्री फोर और फाइव, आप जीरो से चल रहे हैं, ये ओपी है, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने स्टेप, ये वाटर पोटेंशियल है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, कितना कम कितना ज्यादा, बोथ वैल्यूज जीरो से पांच पांच चली हैं, लेकिन क्या सेम डायरेक्शन में, बस अब समझ जाओ बैठो, सेम डायरेक्शन में नहीं चली, इसलिए डायरेक्शन हम क्या बताएंगे, ऑपोजिट। आप बताइए कि भाई वैसे आपको जनरली याद करना है कि जो साई एस होता है बोलो वो ओपी के इक्वल है, ये कितना बढ़ गया, ये कितना कम हो गया, बोथ मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट डायरेक्शन इज, बस आप बताइए उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है, माइनस होता नहीं है, हम माइनस लगाते हैं क्या बताने के लिए, हाँ अभी आपकी जेब में 100 रुपए, कितने खर्च दिए 10, आपकी जेब में कितने, कितने कम, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं माइनस 10 बोल दूं, तो मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है लेकिन हम माइनस लगाते हैं किस लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए कि भाई ये तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये है नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साई एस इज इक्वल टू माइनस फाइव, आ गई क्या, अच्छा हाँ नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, खा तो नहीं गई, चलो बर्थडे आइन का है और पार्टी देखो स्नेहा कर रही है, नहीं बच्चे है बेटा, चलो कोई बात नहीं बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो साई एस इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन बताने के लिए कि भाई ये डायरेक्शन नेगेटिव में आ रहा है, तो साई एस इज इक्वल टू ओपी होता है, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड इक्वल, पांच पांच पांच, लेकिन क्या कर दिया है, डायरेक्शन अपोजिट बताने के लिए क्या लगा दिया है, माइनस साइन, है ना, अब बताओ वाटर पोटेंशियल कितना है, वाटर पोटेंशियल एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल कितना है और साई एस कितना बताऊं, लेकिन अब माइनस लगा के बताओ तो मैं कह सकता हूं कि साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप सोचो मैं आपसे कहूं कि 1 mm ग्लूकोज सॉल्यूशन है, सही है, इस 1 mm ग्लूकोज सॉल्यूशन का ओपी बताओ, तो आप पता है क्या करोगे, एमआरटी सीआरटी लगाओगे, 1 × 0.082 × 273 ऐसे लगा के आपने ओपी निकाला, बोलो 22.48 mm, सही है, तो बताओ 1 mm ग्लूकोज सॉल्यूशन का साई एस कितना, सही है, या फिर इसका साई डब्ल्यू कितना, आप देखो मैंने सिर्फ ओपी की वैल्यू पता की थी, साई एस और साई डब्ल्यू दोनों पता चल गए, माइनस में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, हाँ या ना, तो बोलो जो ओपी है वही माइनस में साई एस है और जो साई एस है वही वाटर पोटेंशियल है, सही है बात या नहीं, तो क्या मैं साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस लिख सकता हूं, अब सोचो अगर किसी सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूट क्या मिला दिया है, ज्यादा ज्यादा, तो उसका वाटर पोटेंशियल और भी नेगेटिव हो जाएगा, और भी, और उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा, जितना वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, सही है बात या नहीं, आप सोचो इस बीकर में मैंने कितने सॉल्यूट मिलाए थे, तो साई डब्ल्यू की वैल्यू बताओ, माइनस 40, साई एस की वैल्यू, अच्छा ये सॉल्यूट 40 की बजाय 30 पढ़ो, वाटर पोटेंशियल और साई एस, इसमें सॉल्यूट 50 पढ़ो, साई डब्ल्यू
माइनस और बच्चे साई एस, तो बोथ वैल्यूज आर द माइनस। समझ पाए या नहीं अच्छे से? अरे हाँ ना तो बोल दो, क्या ये बात समझ में आई? लेकिन सारे केस में आपको कहां बता रहा हूं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनसीईआरटी पेज नंबर 179 खोलेंगे पहले आप, वाटर पोटेंशियल का एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ है पेज का। इफ द सम सॉल्यूट एड, सेकंड से ना, इफ सम सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन द वाटर सॉल्यूशन हैज द फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, कम हो जाएंगे, एंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, यस और नो, मींस वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। उसके बाद क्या कह रहा है, हेंस ऑल द सॉल्यूशन हैज ए लोअर वाटर देन द प्योर वाटर, का मैक्सिमम जीरो है और सॉल्यूशन का हमेशा नेगेटिव। आगे बढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, के कितना कम हुआ है ना, इज नॉन एज द सॉल्यूट पोटेंशियल और द साई एस। और उसने लिखा कि साई एस आपको ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करना है। क्या साई एस नेगेटिव होता है? नहीं नहीं, हम कंसिडर करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, तो इसलिए उसने लिखा साई एस ऑलवेज नेगेटिव। आगे बढ़ो, मोर द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल बोथ। मतलब सॉल्यूट मैंने 10 मिलाए तो साई डब्ल्यू माइनस 10, साई एस भी माइनस 10। सॉल्यूट मैंने 20 मिलाए तो साई डब्ल्यू तो साई एस भी, समझे बात? और लास्ट लाइन में क्या लिखा कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम? पेज पलटो, 180 पे आओ, फिगर 11.3 देखो। यहां दो सिस्टम है, ए एंड बी। ए एंड ए में सॉल्यूट कितने, कम नहीं, 5, और बी में सॉल्यूट कितने, बहुत सारे नहीं, 16। इतना तो एनसीईआरटी में कर ही सकते हो काम, हाँ सही है। तो सिस्टम ए में कितने सॉल्यूट, 5, बी में कितने, 16, दोनों के बीच में मेम्ब्रेन, बोथ आर सेपरेट बाय द मेम्ब्रेन, सॉल्यूट नहीं जा सकता, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, एक ऐसी मेम्ब्रेन लगाई गई है, क्योंकि हम ऑस्मोसिस को पढ़ रहे हैं, सही है, वाटर के मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि बच्चे ए और बी में से सॉल्यूट किस में कम है, तो डीपी किसका ज्यादा है, वाटर का, वाटर का डीपी ए का, जहां पानी ज्यादा वहां डीपी वाटर, वाटर का डीपी भी ज्यादा, तो ए का डीपी बी का डीपी, सही है। दोनों में से ओपी किसका ज्यादा है, बी का, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सही है। दोनों में से डीपीडी किसका ज्यादा है, डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सही है। अब मुझे बताइए दोनों में से वाटर पोटेंशियल किसका नेगेटिव, दोनों का, -5 -16, वाटर पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव फॉर द सॉल्यूशन, तो दोनों में से वाटर पोटेंशियल नेगेटिव किसका, अच्छा मोर नेगेटिव किसका, एग्जैक्टली मोर नेगेटिव मतलब -16 और इधर -5, तो ए का -5 और बी का -16, तो दोनों का नेगेटिव, बट मोर नेगेटिव बिकॉज मोर सॉल्यूट मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। अच्छा साई एस नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो बताओ ए और बी में से साई एस किसका नेगेटिव, दोनों का, लेकिन मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव बी का, क्योंकि बी में सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट मतलब साई एस ज्यादा नेगेटिव, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव में ज्यादा जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए, पक्का? चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए नंबर 7 क्वेश्चन है बच्चे यहां। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज द लोअर वाटर पोटेंशियल, हाँ जी बी -16। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, बी, ए क्यों, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑलवेज, तो -5 कम है या -16 कम है, तो फिर सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, बी। अच्छा कितने बच्चों के एनसीईआरटी में पहले से ए लिखा हुआ था, ओ गड़बड़ हो गई ना, बी आना चाहिए आंसर, मिटाइए और बी लिखिए। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस एंड द बोथ वैल्यूज आर इन नेगेटिव।
तो साई डब्ल्यू माइनस 16, साई एस भी माइनस 16, तो लोअर साई एस और साई डब्ल्यू किसका? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, तो किससे किससे जाएगा पानी? ए से बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, विच सॉल्यूशन हैज द हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, माइनस 5 ज्यादा या माइनस 16? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर हैज द मोर वाटर पोटेंशियल? नन। हाँ, इक्विलिब्रियम होगा बच्चा, लोअर पूछ लो हायर पूछ लो, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्वेश्चन का आंसर नन आएगा, किसी का भी नहीं। नेक्स्ट, माइनस 2000 ज्यादा है या माइनस 1000? हाँ, आप तो 2000 बोल रही थी पहले, माइनस 2000 ज्यादा है या माइनस 1000? बिल्कुल, वैसे 2000 ज्यादा होता है लेकिन माइनस में तो 1000 ज्यादा है ना बच्चे, यस और नो? अच्छे से, कितने बच्चों की एनसीईआरटी में क्वेश्चन सिर्फ एफ तक है? जी नहीं है, 1 2 3 4 5 बस। तो आपके पास एडिशन पुराना है एनसीईआरटी का, नई एडिशन में एक क्वेश्चन और आ गया है, ठीक है? उसमें लिखा गया है कि भाई अगर एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल 0.1 मेगा किलो पास्कल है और दूसरे चैम्बर का 0.2 मेगा किलो पास्कल है, एम किलो पास्कल लिखा उन्होंने, तो आप बताइए ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका? 0.2 का। बच्चा लेकिन यहां कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, पूछो क्यों? वो कहता है सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज 0, है ना, और आपने कहा था कि साई डब्ल्यू हमेशा क्या होता है? लेकिन बोलो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है, इसलिए मैं शुरू से गीत गा रहा हूं, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अभी मैं कंसीडर किसको करने वाला हूं? प्रेशर पोटेंशियल को। किसको कंसीडर करने वाला हूं? प्रेशर पोटेंशियल को। करें शुरू, प्रेशर पोटेंशियल समझते हैं। बताइए प्रेशर पोटेंशियल का मतलब क्या है? कि जैसे स्नेह खड़े होते हो, बताया यहां तो यहां पर खड़े रहे ना, बस उधर ही बेंच के उधर ही, मतलब वही बस बराबर इधर। तो बेटा ये ना हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा जो बच्चा है ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। अब वहां जाइए दीवार के पास और वहां से इधर चलिए धीरे धीरे, ये अपनी एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल चल रहा है। स्नेहा जब ये तेरे पास आएगा तो थोड़ा सा पुश कर देना इसको, बस ये, बस यही समझना है हमें, बेसिक यही। आप बताइए जैसे इसने को क्या किया तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ गई है कम हो गई? पूछो क्यों? क्योंकि स्नेहा का पोटेंशियल भी ऐड हो गया। तो पहले जो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा था वो अपनी फ्री एनर्जी से जा रहा था, समझ रहे बात या नहीं? लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या दिया? प्रेशर। तो प्रेशर लगाते इसमें बोलो प्रेशर ऐड हो गया, पोटेंशियल ऐड हो गया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? तो दोबारा उधर से इधर चलो, नहीं इस बार पुश मत करना, जैसे तेरे पास है थोड़ा खींच लेना पीछे, ठीक है? जाने मत देना इसको। ये अब बताओ ये मूवमेंट स्लो हो गई है फास्ट? एग्जैक्टली। आप बताइए पुल करेंगे तो, पुश करेंगे तो? यहां ये समझना है कि पुश को पॉजिटिव और पुल को नेगेटिव समझना है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट पुश पढ़ाया गया, बाय डिफॉल्ट पुश पढ़ाया गया, लेकिन आपको समझना है कि प्रेशर तो दो तरह का होता है, पुश भी और पुल भी। अगर पुश होगा तो पॉजिटिव, पुल होगा तो नेगेटिव, समझ रहे हैं बात या नहीं? ये वेट कर रही थी कि कब से कि ये बच्चा आया नहीं आज बीमार वाला, ये तो वही बात हुई कि भाई डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के बाद व्हीलचेयर लेके जा रहे हैं ना यूं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पेशेंट को तो बेड पे लेटा दिया और डॉक्टर खुद व्हीलचेयर पे बैठ गया और कंपाउंडर को कह रहा कि भाई मेरे को छोड़ के आ मेरे केबिन तक। ये मौका ढूंढती है बस, नहीं बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे वैसे ऐसे चुलबुले अच्छे लगते हैं, है ना, हंसते खेलते चेहरे जो होते हैं बच्चों के वही बढ़िया लगते हैं, नहीं? चलो एक बात समझो कि वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा अगर प्रेशर क्या लगेगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा अगर प्रेशर कैसा लगेगा? पुलिंग। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या पढ़ाया गया? पुशिंग। अभी हम पुशिंग को बेस मानकर चलते हैं। आपको एक डायग्राम याद होगा, मैंने कब पढ़ाया भी था आपको, जैसे ये एक थीसल फनल है, सही है? इस थीसल फनल को हमने एक बीकर में रखा हुआ है और बीकर में
पानी है ये, सही है। और ये बांधी हमने इस पे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ वाटर है। आप बताइए कि जो वाटर होता है बच्चे, प्योर वाटर है ये, वाटर लगते हैं इसको, प्योर वाटर। इसका डीपी मैक्सिमम होगा, ओपी 0 होगा और मिनिमम वैल्यू है, और डीपीडी 0 होगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और साई डब्ल्यू 0 होगा और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एट एटमॉस्फेयर प्रेशर पे काउंट कर रहे हैं आप, सही है। फिर आपने फनल में क्या भर दिया था, सॉल्यूशन, कौन सा, सुक्रोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन पढ़ा था ना हमने, ऐसा लास्ट लेक्चर में बात हुई थी अपने कि इसमें भाई सॉल्यूशन भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन, सही है। अब आप बताओ कि अंदर कौन है, शुगर सॉल्यूशन, इसका डीपी कम है, ओपी ज्यादा है, सही है। तो बोलो डीपीडी भी डिमांड ज्यादा है, और साई डब्ल्यू जो है बोलो वो नेगेटिव है, मान लेते हैं कि -5 है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है बात। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पानी जो है बच्चों बाहर से अंदर जा रहा है, जिससे अंदर लेवल राइज हो रहा है, ऑस्मोसिस का हमने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था ये। अब आप क्या करिए, बाहर से लगाइए पिस्टन, क्या लगाइए, और उस पिस्टन से इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, ठीक है। और ये होगा अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा लगा रहे हैं, सही है, यस और नो, बताइए। जितना प्रेशर बाहर से लगाएंगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, अभी यही पढ़ा हमने, पुश होगा तो पोटेंशियल उतना, चलो बाहर से पुशिंग फोर्स लगाओ +1, कितना फोर्स लगा, बोलो वाटर पोटेंशियल -4 हो गया सॉल्यूशन का, क्यों हो गया, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो -4 था, -5 था, उसमें +1 ऐड हो गया, तो समझ रहे हैं बात या नहीं। फिर आप बताइए कि इसमें प्रेशर कितना लगा, तो इधर वाटर पोटेंशियल +3 +4 +5, वेरी गुड, आ गई ये बात। इधर वाटर पोटेंशियल, बाहर वाटर पोटेंशियल, दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल, डायनामिक इक्विलिब्रियम, वाटर एंट्री बंद। और मैंने कहा था कि प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद क्यों हो जाती है, ये मैं आपको प्रेशर पोटेंशियल में समझाऊंगा और आज समझा भी रहा हूं। प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद क्यों हो जाती है ये मैंने कहा था आपसे, मैं कब समझाऊंगा आपको, तो आप बताइए कि लगातार प्रेशर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से, पुशिंग करने से वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा ना बच्चे, वो ऐड होता जा रहा है प्रेशर की वजह से, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, समझे बात या नहीं, यस और नो। और जहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, वहां, यहां एक बात का खास ध्यान रखना है आपको, वो ये कि अगर बाहर आप 100 वाटर मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना, और अंदर कितने मान लो 60, सॉल्यूशन में तो वाटर मॉलिक्यूल कम ही होंगे, अभी पानी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, सही है बात या नहीं। आप बताओ कि क्या आपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, नहीं, बोलो अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो कम ही है बाहर से, लेकिन प्रेशर लगा के हमने कम वाटर मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल कर दिया है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं बढ़ाए, प्रेशर लगा के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कम वाले उनका पोटेंशियल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल कर दिया है, मतलब ये 90s की मूवीज का सीन हो गया है बेसिकली। वहां क्या था, 90s की मूवी में जो हीरो होता था बेचारा होता था हमेशा, शुरू से एंड तक उसने बस बेचारे की तरह जिंदगी जीनी है, मजे करते थे कौन, गुंडे, विलेन, सही है बात या नहीं। और लास्ट सब सीन आता था कि जब हीरो को जीतना और विलेन को हारना है, नहीं समझ रहा मेरी बात, तो उस टाइम पे विलेन कुछ भी करता था, तो मतलब हीरो की मां को उठा के ले गए, हाँ, और उनको पता है कि हीरो मारने आएगा, तो फिर लास्ट में जब वो बांध के खड़े हैं उसकी माँ को, और फिर उसको पीटते हैं कि भाई तूने अगर कुछ किया तो तेरी माँ को मार देंगे, ऐसे करके खूब पीटते हैं, खूब खूब पिटता भी है हीरो, और पिट के पड़ा है ऐसे जमीन पे, है ना। फिर उसकी माँ ना भगवान के सामने क्या करती है यार, हाँ
भाई आज तेरी परीक्षा का दिन है और आज अगर ऐसा हो गया, ये जीत गया तो मैं तेरे को मानना बंद कर दूं। ये टीवी की स्क्रीन यूं यूं करती थी, घंटियां बजती थी और आपके मुंह से एकदम निकलता था। उससे पहले तो आप बिल्कुल सन थे क्योंकि हीरो पिट रहे, लेकिन जैसे ही मंदिर दिख जाता था घंटियां बजने लगती थी, या तो फूल गिर जाता था या फिर वहां से लाइट उड़ती हुई जाती थी और जाके हीरो पे लगती और हीरो के नाक से सांस चलती। आप कहते अब देखना सबको पीटेगा, तो हीरो हो जाते थे। मतलब गुंडे अगर 50 है तो हीरो 60 हो जाते थे, हीरो कितने होते थे। लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता था कि अब ये सबको पीटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब भगवान का पोटेंशियल ऐड हो गया। तो हीरो के नंबर हमने 50 से 60 नहीं कर दिए या 1 से 60 नहीं कर दिए, हमने एक हीरो का पोटेंशियल, हाँ वही कह रहा हूं, यहां वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर नहीं बढ़े, वाटर मॉलिक्यूल तो उतने ही है जितने पहले थे। बस प्रेशर लगाने से आपने कम वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर मतलब पोटेंशियल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल कर दिया। यस और नो? इसका मतलब बच्चा अगर ऊपर से प्रेशर और लगा दे तो आप बताइए कि यहां से प्रेशर आपने कितना लगाया, तो आप बताइए वाटर पोटेंशियल +1 हो जाएगा। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना, बच्चे प्लस में भी आ सकती है, लेकिन वो प्रेशर होना चाहिए अदर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो अब वाटर वहां से निकल के कहां आएगा? बाहर, क्योंकि अंदर क्या हो गया, +1 वाटर पोटेंशियल, और बाहर कितना है? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ रहे हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। तो एनसीईआरटी में देखो, क्या प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पर। एक लाइन है बच्चे को जो बहुत कंफ्यूज करती है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 179 के लास्ट पैराग्राफ की लाइन। इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्योर वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल। बच्चा कहता है सॉल्यूशन पर वाटर पोटेंशियल, मतलब अगर प्रेशर लगाएंगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, समझ आ रहा है, लेकिन प्योर वाटर का तो वाटर पोटेंशियल पहले से 0 है मैक्सिमम, क्या वो भी बढ़ जाएगा? बोलो हाँ, प्लस में आ जाएगा। तो क्या बच्चे क्वेश्चन नंबर जो जी था पॉसिबल है प्लस में वाटर पोटेंशियल होना 0.2 और 0.1 होना? तो बताओ फिर ज्यादा वाटर पोटेंशियल 0.2 का है 0.1 का? हाँ, यहां पर क्या बच्चे आपस में डिसाइड कर लेते हैं बातें करके, अरे अरे वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लगाना भूल गई एनसीईआरटी, मिस प्रिंटिंग है। तो आज तक तो मिस प्रिंटिंग थी नहीं, नया क्वेश्चन डाला और वो भी मिस प्रिंटिंग के साथ। अभी नया एडिशन है ये एनसीईआरटी का जिसमें जी नंबर क्वेश्चन ऐड हो गया, भी आज तक तो क्वेश्चन 6 थे एफ तक, 6 क्वेश्चन तक तो कोई मिस प्रिंटिंग नहीं थी, 7वां क्वेश्चन ऐड किया और मिस प्रिंटिंग के साथ किया। नहीं समझ रहे? पॉसिबल है ये वैल्यूज, समझ रहे हैं बात या नहीं? और आप बताइए कि जो वैल्यू किसकी होती है साई एस की, वही वैल्यू किसकी होती है? एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे देखो बच्चे, सेकंड पैराग्राफ लास्ट की चार लाइनें छुड़वाई थी मैंने, 181 के सेकंड पैराग्राफ की चार लाइनें। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल साई एस 5 ओपी 5 बट साइन इज अपोजिट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो कंसीडर पॉजिटिव किसको करोगे? प्रेशर को, और नेगेटिव किसको कंसीडर करोगे? साई एस को, पोटेंशियल को। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? और प्रेशर बढ़ाने पर पोटेंशियल, और ये प्रेशर कौन सा है? और जब ऑस्मोसिस शुरू कर रहे हैं उससे ठीक पहले फॉर्मूला एनसीईआरटी लिखा है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई, लेकिन क्या प्रेशर हमेशा ही पॉजिटिव होगा प्लांट में? बोलो नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पहली लाइन, पेज की फर्स्ट लाइन, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, फिर दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और द टेंशन इन द वाटर कॉलम ऑफ द जाइलम प्ले ए मेजर रोल टू ट्रांसपोर्ट वाटर अप इन ए स्टेम। स्टेम में पानी को ऊपर खींचने में पुलिंग फोर्स ज्यादा काम का होता है, इस पुलिंग को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव हो ये बात जरूरी, लेकिन हमें एनसीईआरटी ने पढ़ाया पॉजिटिव है, सही है? तो दो जगह पे आपको नेगेटिव पोटेंशियल कंसीडर करना है। एक तो आप नेगेटिव पोटेंशियल कंसीडर करेंगे कहां पर? प्लाज्मोलाइज सेल में नेगेटिव टीपी, और दूसरा आपको याद करना है किसमें? जाइलम के अंदर ट्रांसमिशन पुल। और बताइए फोर ए सेल टीपी
फीस आई पी है सेल के अंदर, कौन सा पिस्टन लगाओगे आप? सेल अपना प्रेशर खुद डेवलप करती है, बोलो ऐसे, सेल अपना प्रेशर, सेल में थोड़ी ना कोई क्या लगेगा पिस्टन, तो सेल तो अपना प्रेशर खुद डेवलप करेगी। अब सेल अपना प्रेशर खुद डेवलप करेगी, इसका मतलब क्या हो गया? समझ रहे हैं बात? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे तो चलो हो गया कंप्लीट ये भी। चलो एक बात और सुन लो फिर, यहां दो सेल हैं ए और बी, कौन कौन सी हैं? ए और बी का ओपी और टीपी आपको दिया गया है, यस और नो? तो क्या आप इसका साई डब्ल्यू मुझे बता सकते हो सेल ए का? बोलो, जो ओपी है वही माइनस में साई एस है और जो टीपी है वही साई पी होगा। तो इधर के लिए साई एस माइनस एट और साई पी टू, तो सेल ए का मुझे वाटर पोटेंशियल बताओ। बोलो माइनस दस प्लस सिक्स माइनस, और सेल बी का साई डब्ल्यू माइनस एट प्लस माइनस, बताओ ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका और कम? तो वाटर कहां से कहां जाएगा? ए टू बी सेम डायरेक्शन है, यस और नो? लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पूछिए क्या, जब सेल का डीपीडी कितना है तो साई डब्ल्यू माइनस चार है, डीपीडी कितना है तो वाटर पोटेंशियल माइनस छह है, इसका मतलब साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी बोथ आर न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकली इक्वल। साई डब्ल्यू कितना? माइनस फोर, और वाटर डीपीडी कितना? फोर, तो न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू बट साइन इज अपोजिट, इसलिए आप लिख सकते हैं साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डीपीडी। इसका मतलब जिस सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा उसमें पानी डिमांड कम, और जिसका वाटर पोटेंशियल कम उसमें पानी और डिमांड, सिंपल बात है, समझ पाए हैं बात को? और वाटर कहां से कहां मूव करता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, क्या होता है कि जितना वाटर पोटेंशियल हो जाता है ना उसके बीच का मैग्नीट्यूड, और उसी मैग्नीट्यूड को इक्वल मानते हैं ओपी के, जो ओपी है वही साई एस है माइनस में, और जो साई एस है वही साई डब्ल्यू है एटमॉस्फेर प्रेशर पर। लेकिन अगर आप प्रेशर ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर आप प्रेशर को बच्चे माइनस करेंगे पुलिंग करेंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई बात ऐसी किसी को जो समझ ना आए तो पूछो भाई, वो डाउट नहीं, पक्का समझ आया सबको? देखो डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं, हाँ भी या तो सब समझ में आ गया या सब ऊपर से गया है, क्या मान लो मैं? चलो ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं फिर अपने। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इम्बिबिशन। क्या है इम्बिबिशन? आप इम्बिबिशन पढ़ते टाइम दो टर्म याद करिए, बोलिए एक का नाम है एडजॉर्प्शन और एक टर्म का नाम है एब्जॉर्प्शन, दोनों में फर्क पता है? बोलो यस। एक में बी एक में डी? नहीं। फिर बोलो, एक सरफेस फिनोमिना है और एक बल्क फिनोमिना है, सही है बात या नहीं? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं है ना, तो एडजॉर्प्शन, और अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन। सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं तो हाँ, और अगर बच्चे अंदर चले जाते हैं तो, सही है बात? यस और नो? तो याद रहे कि बच्चे एक सरफेस फिनोमिना और एक, लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, पूछिए क्या, जैसे अपने ना सेल की बात करें, हम कहें कि भाई ये सेल है और सेल के बाहर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। आप बताइए कि अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं सेल एब्जॉर्ब वाटर सेल, लेकिन ये ध्यान रखो कि जब जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, एडजॉर्प्शन पहली शर्त है, पहले एडजॉर्प्शन होगा फिर एब्जॉर्प्शन होगा, इसका मतलब सरफेस फिनोमिना तो होगा ही होगा, फिर सेल के अंदर जाओगे आप, मतलब सरफेस फिनोमिना से बल्क फिनोमिना होता है, मतलब पहले क्या होगा एडजॉर्प्शन, फिर क्या होगा एब्जॉर्प्शन, मतलब जिनमें एडजॉर्प्शन की एबिलिटी है उसमें ही एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, क्लियर है बात? तो पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सुनिए बात ध्यान से। आप बेसिकली इस चैप्टर को जब इम्बिबिशन टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर के अंदर इस इम्बिबिशन टॉपिक को पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ते टाइम हमें बेसिक जो ध्यान देना है बच्चे, वो एडजॉर्प्शन पर ध्यान देना है। किस पर?
मतलब इम्बाइबिशन टर्म स्टैंड फॉर द एडजॉर्प्शन ओनली, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि एनसीईआरटी हमें पढ़ा रही है ड्राई वुड और ड्राई सीड्स के बारे में, ड्राई और वुड और ड्राई सीड्स के बारे में। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मान लो अपने पास ना ये ड्राई वुड है एक, ये ड्राई वुड की सेल्स हैं, ये क्या है ड्राई वुड, ठीक है, और इस ड्राई वुड की क्या है, ड्राई वुड का मतलब है प्रोटोप्लाज्म तो है ही नहीं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेल वॉल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है सेल वॉल। तो ये बताइए ड्राई वुड की क्या है, सेल्स की सेल वॉल है, सही है। और इस ड्राई वुड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, पानी, बोलो हमने इस ड्राई वुड को क्या किया, पानी में डुबो दिया, किसमें डुबो दिया, पानी में, तो इसको चारों तरफ क्या प्रेजेंट है ये, तो बोलो वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी मॉलिक्यूल्स, हाँ हाँ सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेल वॉल की सरफेस पर आकर चिपकेंगे, चिपकेंगे, ड्राई वुड है तो पानी तो है ही नहीं इसमें, ड्राई वुड है तो पानी जो है बच्चे इस ड्राई वुड की सेल्स पर आकर चिपक जाएगा, पानी जब इस ड्राई वुड की सरफेस पर आकर बच्चे सेल्स पर आकर क्या हो जाएगा, चिपक गया, ये बाहर क्या है, ये पानी पानी पड़ा है क्योंकि डूबा हुआ है ना, तो आप बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब इससे चिपक जाते हैं ना आके, तो फिर क्या होगा कि जो सेल वॉल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें वाटर ऐड होने से वॉल का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल का वॉल्यूम, अब वॉल का वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो बोलो वॉल जो है ना बच्चे वो थिक हो जाएगी, फूल जाएगी, वॉल का वॉल्यूम बढ़ने से ये क्या हो गई, फूल गई ना, बस ये फूल गई बच्चे, ये फूलना ही इम्बाइबिशन है बेसिकली, वॉल क्या हो गई है, फूल गई है, फूल क्यों गई है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक गए थे ना आके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस वॉल का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ने से ये वॉल क्या हो गई, फूल गई, और फूलने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया कि भाई इसका क्या हो गया, इम्बाइबिशन। अब क्या करो, इसको पानी से निकालो बाहर, पानी से क्या करो बाहर निकालो, और बाहर निकाल के इसको रख दो पानी से बाहर सूखने दो, तो सूखने पे फिर अपना साइज गेन कर लेगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो इम्बाइबिशन में बेसिकली आपको याद करना है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो एडहेसिव नेचर के सब्सटेंस होते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंस, बेटा एनसीईआरटी उठा, वाटर लविंग सब्सटेंस, समझ रहे हैं, जो वाटर को अपनी तरफ क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो, वो उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जाकर चिपक जाते हैं। तो बताइए सेल वॉल में वो कंपोनेंट होते हैं सेल्यूलोज पेक्टिन, इसलिए वॉल के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल्स जाकर चिपक जाते हैं और सेल वॉल का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। दूसरा, इम्बाइबिशन होने के लिए आपको बताना है कि ड्राई वुड या ड्राई सीड का होना जरूरी है। इम्बाइबिशन तभी होगा जब बच्चे पहले से ड्राई वुड में पानी ना हो, ड्राई सीड में पानी ना हो, समझ रहे हैं बात या नहीं? एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आपको इम्बाइबिशन करवाना है क्या, तो उसके लिए क्या है प्री रिक्वेसाइट्स, बोलो कंडीशंस, क्या बोलोगे, पूछो कितनी कंडीशंस हैं, दो, पहली बोलो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वुड जो है वो पहले से फूली हुई ना हो, ड्राई हो, सीड जो है वो पहले से फूला हुआ ना हो, ड्राई हो, ड्राई सीड पानी में रखने पर फूल जाता है, फूला हुआ और नहीं फूलता, ऐसा होता तो फिर मम्मी क्या करती कि रोज ही मान लो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको चने की सब्जी बनानी है तो आज से उसको पानी में भिगोना शुरू करती, आज भिगो के रखती, कल निकाल के दूसरे पानी में डालती वो और फूल जाता, परसों और पानी में डालती और फूल जाता, यूं करते करते हफ्ते में इतना बड़ा हो जाता, काट के सब्जी बना लेते। एक लिमिट के बाद आप बताएंगे कि जो सीड है वो जर्मिनेशन शुरू कर देता है, समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो आपको ये बात समझनी है कि जो सीड है या ड्राई वुड है वो पहले से फूले हुए ना हो, मतलब उनमें पहले से पानी कम होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब बाहर पानी ज्यादा और वुड में पानी, बाहर पानी ज्यादा सीड में पानी, तभी होगा क्या एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप या नहीं, यस और नो? तो पहली कंडीशन है कि क्या होना चाहिए। अब आप सोचो अपने घर पे चना होता है ना, चने का सीड
ग्राम सीड और एक प्लास्टिक का ग्राम सीड ले लो आप मार्केट में, बच्चों के खेलने के लिए आजकल हर चीज अवेलेबल है, तो प्लास्टिक का ले लो एक ग्राम सीड, सेम साइज सेम शेप सेम कलर, दोनों को पानी में डुबो दो, बताओ कौन सा फूलेगा। हालांकि पहली शर्त दोनों ही पूरी कर रहे थे, दोनों में पानी नहीं था, क्या प्लास्टिक वाले में पानी था, क्या ड्राई सीड नेग्लिजिबल था, बिल्कुल दोनों में पानी कम था, यस और नो, इसका मतलब पहली शर्त तो दोनों ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी कौन सा फूला, नेचुरल वाला। पूछो क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना उनके लिए, बोलो वाटर लविंग सब्सटेंस थे, समझ रहे हैं बात या नहीं। इसका मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, एफिनिटी को, कि वाटर मॉलिक्यूल्स और ड्राई सीड की स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं या फिर ड्राई वुड की स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और कंपोनेंट्स के बीच में एफिनिटी है, तो वो वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल उनकी तरफ आएंगे तो बताइए कि उनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों शर्तें जो पूरी करेगा वही इंबाइबिशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि इंबाइबिशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान दीजिए इंबाइबिशन डिफ्यूजन का टाइप है, इंबाइबिशन डिफ्यूजन नहीं है। टाइप क्यों है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही शर्त होती दूसरी शर्त फिर तो मैं इसको डिफ्यूजन कहता, लेकिन ये कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ साथ मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, हाँ वाटर लविंग सब्सटेंस मींस एफिनिटी ऑफ द सब्सटेंस भी चाहिए पानी के साथ, समझ रहे हैं बात या नहीं। आप बताइए कि जहां यहां जो ड्राई वुड है ना, ड्राई वुड इसको आप बोलेंगे इम्बाइबेंट या बोलेंगे एडजॉर्बेंट, क्या बोलेंगे, इम्बाइबेंट या, और जो ये बाहर की तरफ पानी है ना बच्चे ये लिक्विड, इसको बोलेंगे इम्बाइबेट। तो बताइए इम्बाइबेंट और एडजॉर्बेंट के बीच, मतलब एडजॉर्बेंट और इम्बाइबेंट और उसका जो इम्बाइबेट है दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एफिनिटी, एफिनिटी होगी तो इम्बाइबेशन होगा, अदरवाइज, इसलिए तो बच्चे नेचुरल सीड जो था वो तो फूल गया है ना। और इम्बाइबेशन एबिलिटी जो होती है बच्चे वो फाइको कोलॉइड्स में होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, इस पर बताओ नीट 2022 का पेपर किसने दिया था, एक क्वेश्चन आया था रेड एल्गी के केराजीन का, केराजीन रेड एल्गी से मिलता है, फाइको कोलॉइड है, वाटर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट, म्यूकस एल्जिन अगार अगार क्लेडियम और ग्रेसिलेरिया जो होते हैं, समझ रहे हैं वहां से नहीं, तो वो सब्सटेंसेस अगार अगार में हम बताते हैं इम्बाइबेशन एक्टिविटी ज्यादा होती है, वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। आप बताओ बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होती है, दरवाजे फूल जाते हैं लकड़ी के, इम्बाइबेशन, सही है बात या नहीं। जब वाटर मॉलिक्यूल इन कंपोनेंट्स के साथ जुड़ते हैं तो इनका वॉल्यूम, जब इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है तो ये फूलते हैं, जब ये फूलते हैं तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, इस प्रेशर को आप इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं, इस प्रेशर को आप इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं। और बताइए कि इम्बाइबेशन प्रेशर अमाउंट में ज्यादा होता है, इम्बाइबेशन प्रेशर अमाउंट में काफी, एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया कि जो प्री हिस्टोरिक मैन था, कौन था, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे बच्चे, उनके पास मशीनें नहीं थी तो बड़े बड़े पत्थरों को किससे तोड़ते थे, इम्बाइबेशन प्रेशर से, बड़ी बड़ी चट्टानों में रॉक्स के बीच में जो दरारें होती थी सीवंत, उनके अंदर भर देते थे सूखी लकड़ियों को और फिर ऊपर से क्या डालते रहते थे, तो सूखी लकड़ियां जब फूलती थी ना बच्चे पानी डालने से, तो बताओ को पत्थरों को बीच में से क्या करती थी, तोड़ देती थी, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। तो इम्बाइबेशन प्रेशर अमाउंट में काफी, आप एक बात सोच के देखो कि मैं एक फुट गहरा खड्डा खोद के, गीली मिट्टी है, सूखी नहीं, गीली मिट्टी, रेत के टीले की बात नहीं कर रहा हूं, गीली मिट्टी की बात कर रहा हूं, एक फुट गहरा खड्डा खोद के उसमें आपका सिर्फ गला बाहर रखूं, बाकी मैं आपको क्या कर दूं, दबा दूं मिट्टी में, ऊपर से मिट्टी डाल के, तो यहां से जिंदा भी तो रहना है, समझ रहे हो बात या नहीं, बाहर आ जाओगे क्या, मुश्किल है। अब एक पैर कीचड़ में चला जाता वो तो निकालना पड़ता है तुम्हें, अब पूरे गीली मिट्टी में पड़े हो तो निकलना मतलब आसान नहीं है, फिल्मों के हीरो ही हैं जो आ जाते हैं, हाँ हाँ तुम्हें जोर आएगा, लेकिन आप सोचो वहीं उसी गहराई पर एक छोटा सा सीड लगा दो आप मिट्टी में, है ना, सीड बाहर नहीं आ जाएगा, सीडलिंग बाहर आ जाएगा जर्मिनेट करके, और सीडलिंग पता है आपके शरीर से पता नहीं कितना ही सॉफ्ट होता है बेचारा, इतना सॉफ्ट होता है कि तेज फूंक भी मार दो तो भी मतलब डैमेज हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी सोचो उसी मिट्टी से बाहर वो पेनेट्रेट करता हुआ, एंटी ग्रेविटेशन फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता हुआ बाहर आ जाता है, क्यों, क्योंकि जो सीडलिंग की सेल्स होती है ना
सरफेस वाली, ये क्या करती है, आसपास से वाटर को एड्सॉर्ब करके रखती है, जिससे यहाँ आसपास के सेल में क्या डेवलप होता है, और वो इम्बाइबिशन प्रेशर जो होता है बच्चे, वो बाहर से सॉइल के प्रेशर को क्या करता है, बियर करता है, जिससे कि ये क्या करता है, बाहर की तरफ बाहर निकलता है। तो बताओ सीडलिंग जो है बच्चे, उसके एंटी ग्रेविटेशन ग्रोथ के अंदर इम्बाइबिशन प्रेशर भी काफी हेल्प कर रहा है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा होता है, और ये एक टाइप है किसका, डिफ्यूजन का, प्योरली ये डिफ्यूजन। क्यों नहीं कह सकते प्योरली डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शर्त थोड़ी है, एक ही कंडीशन थोड़ी है ना, इसमें आपको एफिनिटी की भी जरूरत है, समझ रहे हैं बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछ लो बच्चे। हाँ जी, नहीं ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन कंपलसरी है बच्चे, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, है ना, डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कह रहे हैं। हालांकि ऑस्मोसिस ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट ओनली फॉर वाटर, ऑस्मोसिस टर्म गिवन फॉर ओनली सॉल्वेंट। सही है बात या नहीं? अच्छे से यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप इम्बाइबिशन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान किस पे देना है, एडजॉर्प्शन पे, लेकिन एनसीईआरटी ने जब आपको इम्बाइबिशन टॉपिक पढ़ाया ना, तो बार बार क्या बोले जा रही है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। आप दुखी मत होइए, आप बताइए एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो पहला स्टेप, लेकिन लास्ट में जाके जब उसने एफिनिटी वाली प्री रिक्वेस्ट लिखी ना, तो उसने ये लिखा है कि भाई ये शर्त है कि एफिनिटी बिटवीन द लिक्विड एंड द एडसॉर्बेंट इज मस्ट, तो वहां टर्म एनसीईआरटी ने एडसॉर्बेंट ही टर्म यूज करी है। क्लियर है बात या नहीं? तो कल मैं आऊंगा तो आप मुझे बताइएगा कि सर आपने इम्बाइबिशन तक पढ़ाया था, इससे आगे कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे टॉपिक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे अपने। ठीक है, मिलते हैं, ओके बेटा।